मित्रों ये है हमारा बद्रीनाथ में सुंदर भव्य आश्रम, सदगुरु आश्रम श्री बद्रीनाथ। चाय खाना पीना और चाय फ्री मिलती है, आप कभी भी आ सकते हैं और चाय पानी पी सकते हैं। ठीक है, ओके। जय श्री महाकाल, जय बद्रीनाथ। तो भाई फाइनली हमारे घर से निकले हुए आज जो थे 118 और कल हम बद्रीनाथ पहुँच गए थे। और सुबह सुबह बद्रीनाथ का मौसम है कुछ ऐसा है, पूरा कोहरा ही कोहरा। 8 बजे है, हम धूप निकले हैं, थोड़ा इंतज़ार करें, मतलब मौसम थोड़ा खुल जाए क्योंकि बारिश का मौसम लग रहा है मुझे, क्योंकि हमें जाना है माना गाँव और वसुंधरा फॉल, तो वहाँ के लिए मौसम थोड़ा साफ है तभी वहाँ के व्यू है वो हम कैप्चर कर पाएंगे। और सुबह सुबह चलो, आपका भाई अभी आ चुका है यहाँ पर चाय पीने, जैसे कि हम कल रुके थे सतगुरु आश्रम, यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है वहाँ पर हम रुक सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कुछ चाय। और 6 महीने यहाँ से यहाँ पर भंडारा चलता है, 9 बजे से 3 बजे तक यहाँ का टाइमिंग है खाने का, और रात को भी आपको खाने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो खाने पीने का टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो भैया भंडारा रेडी हो रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पे अभी लग जाएगा। बाहर फ्री सेवा है, कोई कॉस्ट नहीं है। सही, सतगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी का आश्रम है ये, देखिए। वैसे तो कल हम मिले थे, पहले तो चाय पीते हैं बाद में आपसे बात। कल हम मिले थे महाराज से, उन्होंने कहा कि आदि वीडियो ऑन कर रहे हो? हाँ, वीडियो ऑन कर रहे। बताओ आपका नाम क्या है? कितने साल से यहाँ पे? 2013 से यहीं पे। अच्छा, अम्बाला कहाँ आप? उत्तराखंड गए हो कहीं और से? हरियाणा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय बद्री विशाल। तो गई हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो आप, बहुत बारिश है। ये बारिश में भीगे ना तो ठंड के मारे क्या बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी, तो ट्राई करो कि आप बारिश में मत भीगो यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर होती वैसे नॉर्मल बारिश नहीं है, ये पूरी बर्फीली बारिश है। तो गाइस लंगर स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले से स्टार्ट है, अभी अभी हमने भी खाना खा लिया। हमारे लिए मुझे ना थोड़ा लूज मोशन हो रहा था तो रोटी खा ली है मैंने, चावल नहीं खाए, बहुत ही मस्त है। और देखो अभी वाह, धूप बहुत ही मस्त निकली है, काफ़ी मौसम साफ है, मौसम का हाल बहुत ही मस्त है। वैसे वहाँ से अभी ये थोड़ा थोड़ा धुआँ है, ये कोहरा ही हट रहा है। और ये जो पहाड़ है ये है नर और नारायण, यहाँ पे नर और नारायण ने तप किया था, बहुत ही मस्त है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और ये एक सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का आश्रम है। आज भी हम आपको सोच रहे हैं आज थोड़ा विश्राम कर लें और कल हम माना के लिए निकलेंगे कि वसुंधरा फॉल्स जाना है, उसके लिए ट्रैक है, तो वो करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा बस खिला हुआ मौसम रहेगा तो काफ़ी मस्त है। और हम देखेंगे गणेश जी की कृपा वेद व्यास, जहाँ पे महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी, बहुत ही मस्त जगह पे लेके जाने वाला आपको भाई, आपको दर्शन के लिए। और फिलहाल तो यहाँ पर बद्रीनाथ का माहौल तो बहुत ही मस्त है, रास्ते वास्ते बहुत ही सही बन रहे हैं, यहाँ पर भी डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, इतना तो कह सकते हैं, काफ़ी मस्त जगह है। चलिए अभी थोड़ा आराम करते हैं, धूप में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर हम वापस, थोड़ा धूप है तब तक थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होगा, तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आप भी बने रहे ब्लॉग साथ, जय श्री महाकाल। तो गाइस फाइनली सुहाने मौसम के साथ चल पड़े हैं, चलने के लिए थोड़ा चल लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बद्रीनाथ देखो पूरा सिटी जैसा ही लग रहा है यार। और गेस्ट हाउस, होटल्स, गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक भी चल रहे हैं, देखो
काफ़ी मस्त है। तो गाइस घूमते घूमते आपका भाई आपको फिर से बद्रीनाथ के दर्शन कराने के लिए आया है। देखो आज ही भीड़ है लेकिन बहुत कम है, और देखो अलकनंदा का बहाव है वो थोड़ा कम है, काफ़ी मस्त है। और पूरा पहाड़ी व्यू क्या बताया, अभी बहुत ही मस्त है। चलो अभी हम ना कुछ स्वीट ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, सोन पापड़ी मिल जाए तो बहुत ही मस्त है। ढूंढ रहे हैं, पूरा बाजार घूम रहे हैं। चलो बाजार घूमते हैं अभी। फाइनली सोन पापड़ी मिल चुकी है अंकल की दुकान से। ये जस्ट मंदिर से आप रास्ता करोगे यहाँ पर ही है। चलो अंकल 90 रुपये का पैकेट है, 300 ग्राम है। अच्छा है। तो मैं इसमें घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया। अभी थोड़ा आराम करूँगा, फिर रात को कहीं निकलते हैं थोड़ी देर। चलो अभी। तो गाइस दोपहर तक हालत बहुत ही अच्छी थी, अभी ये दवाई लेनी पड़ी है पैरासीटामोल से। बहुत ही हालत खराब हो चुकी है, दवा लेके सो जाना है। जय श्री महाराज।